साल 2015, आई वॉज सो मच कन्फ्यूज कि मुझे क्या करना है, कहाँ पे जाना है, कैसे अपने करियर को एक लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि उस टाइम तक मैं कम्प्लीटली था एक फेलियर। लेकिन मेरे पास था अपॉर्चुनिटी जो मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में मुझे जब पता चला, तब जब पीछे घूम के खुद को देखता हूँ, देन आई रियलाइज मैं जो डिसीजन लिया था वो सही था। Hey guys, what's up? मेरा नाम रजत है, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल VFX World में। आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, आप सभी का फ्यूचर के ऊपर हम बात करेंगे। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग VFX का कंप्लीट एक रोड मैप का। आई होप वीडियो को देखने के बाद आप सभी को बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो स्टार्टिंग विद कि VFX में अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, मतलब एक शुरू का गाइड क्या होना चाहिए कि पता कैसे चले कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करने पे हम एक्चुअली सही मतलब डायरेक्शन पे हम लोग जा पाएंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है। टॉकिंग अबाउट द डिपार्टमेंट, यहाँ पे आता है रोटो, पेंट, कॉम, मैच मूव, 3D सिमुलेशन, इफेक्ट्स वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली बहुत सारे नया डिपार्टमेंट भी खुला है। ये तो हो गया आर्टिस्टिक डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट्स है जिसको हम कहते हैं क्रिएटिव से थोड़ा डिफरेंट, लाइक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे आता है प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर्स, यहाँ पे जो हायर मैनेजमेंट, लाइन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर लेवल, ये सारे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो इफ़ यू फील कि नहीं, आपको आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से नहीं जाना है, आपको थोड़ा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जाना है, देन यू कैन गो फॉर दिस लाइक प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर्स, जैसे मैंने कहा। तो यहाँ की भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आता है, एंड यस, वहाँ पे मूवीज में आपको नाम मिलता है क्रेडिट्स पे। सो स्टार्टिंग विद हमारा सबसे बेसिक सा, अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो आपको सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, लेकिन एक सॉफ्टवेयर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ सीखना पड़ेगा, दैट इज फोटोशॉप। आप किसी भी कोर्स पे ज्वाइन करो, क्या आप करो, कुछ भी करो, आई सजेस्ट कि आपको फोटोशॉप जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा मानना है, क्योंकि फोटोशॉप एक बेसिक बिगिनर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर बेस करके आपका VFX का करियर जो है वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। ओके, सो स्टार्टिंग विद डिपार्टमेंट वाइज, जैसे कि ऑब्वियसली रोटो इज द सबसे बेबी डिपार्टमेंट, मैं कहता हूँ उसको, उसी के थ्रू हम लोग इंडस्ट्री में घुसते हैं। अब हालांकि अभी इंडस्ट्री में घुसने का बहुत सारे नया नया तरीका आ चुका है। सो अभी अगर मैं 7-8 साल पहले की बात करूं तो रोटो वॉज ओनली वे। सो रोटो के लिए आपको बेसिकली सिलहाउट का नॉलेज होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। हालांकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में रोटोस्कोपिंग किया जाता है, लाइक फ्यूजन, न्यूक, बट यूनिवर्सली 90% कंपनीज जो होता है वो सिलआउट इफेक्ट्स को यूज करते हैं फॉर रोटोस्कोपिंग। फ्यू कंपनीज आर यूजिंग मोका प्रो, फ्यू कंपनीज आर यूजिंग फ्यूजन, एंड फ्यू आर यूजिंग न्यूक। तो आप में से क्वेश्चन आ गया, तो सीखे क्या? देखो, ऑब्वियसली सीखना आपको सभी को पड़ेगा, एक्सेप्ट फ्यूजन सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो अभी थोड़ा मार्केट से हट चुका है। सो यस, न्यूक, मोका एंड सिलआउट आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस करके आप अगर पेंट प्रेप आर्टिस्ट बनते हो तो भी इनकी जरूरत पड़ेगा, और अगर आप कंपोजिटिंग आर्टिस्ट बनते हो तो भी आपको यही जरूरत पड़ेगा। तो अगर आप एंड ऑफ द डे देखा जाए, रोटो, पेंट, कॉम, ये तीनों डिपार्टमेंट जो इंटर रिलेटेड होता है, इन डिपार्टमेंट्स में आपको बेसिकली सिलआउट, आपको न्यूक और आपको मोका प्रो जानने की जरूरत है। अब यहाँ पे कुछ सवाल आता है कि क्या मुझे 3D का नॉलेज जानना चाहिए अगर मैं कंपोजिटिंग आर्टिस्ट बनना चाहूँ तो? तो यस, यू नीड टू नो अबाउट 3D नॉलेज, आपको ट्रैकिंग भी जानना चाहिए। देखो, एक कंपोजिटर आप तभी कहलाओगे जब आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज का थोड़ा तो फिर नॉलेज हो। अगर आप पेंट प्रिप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपका जो ट्रैकिंग के ऊपर नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैच मूव जैसा स्ट्रांग ट्रैकिंग नॉलेज लेके आ जाओ, बट एटलीस्ट आपको ये जानना चाहिए कि ट्रैकिंग कैसे होता है, मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रैकिंग, प्रोजेक्शन वगैरह यू नीड टू नो। ऑल्सो अगर आप कंपोजिटर बनना चाहते हो तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 3D के लिए मल्टीपल कंपोजिटिंग करना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन यू नीड टू नो अबाउट अ बिट माया और कोई भी 3D सॉफ्टवेयर, जहां पे लाइटिंग कैसे होता है, टेक्सचरिंग कैसे होता है, अनरैपिंग कैसे होता है, एक बेसिक सा नॉलेज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। इसके बाद सबसे हमारा पैसे वाला डिपार्टमेंट आता है, मैच मूव डिपार्टमेंट। तो यहां पे हमको एक ही सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है स्टार्टिंग में, दैट इज कॉल्ड 3D इक्वलाइजर। अब यहां पे मैच मूव में लोगों को लगता है हर चीज ही मैच मूव होता है, कैमरा ट्रैकिंग ही मैच मूव है, एक्चुअली है, बट यहां पे एक और छोटा सा डिपार्टमेंट है जो कि अपने आप में एक बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं बॉडी ट्रैकिंग या फिर रोटो एनिम। ठीक है, तो बेसिकली रोटो एनिम या बॉडी ट्रैकिंग में हम क्या करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम किसी भी कैरेक्टर का या किसी भी सब्जेक्ट का हम जो मूवमेंट है वो कैप्चर करते हैं। ये कोई सेट ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि सेट के लिए हम यूज करते हैं 3D इक्वलाइजर, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल 3D कैमरा ट्रैक, बट यहाँ पे आ जाता है बॉडी ट्रैकिंग आर्टिस्ट या फिर रोटो एनिम। तो आपको माया का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, लाइक रिगिंग, एवरीथिंग, बोन, जॉइंट, IKFK, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट 3D डिटेल डेप्थ नॉलेज। अब इन सब के ऊपर भी एक सॉफ्टवेयर आता है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियर प्रो।
इसको जानना क्यों जरूरत है कि जब आप वीडियोस बना लोगे अपने शोरील के लिए, उसको एडिट करने के लिए आपको प्रीमियर प्रो की जरूरत पड़ेगा। सो प्लीज यू नीड टू नो अबाउट अबिट एडिटिंग नॉलेज इन प्रीमियर प्रो। इसके बाद सबसे मेरा फेवरेट सा एक डिपार्टमेंट है जहां पे मैं जाना चाहता था, दैट इज 3D डिपार्टमेंट। अब 3D डिपार्टमेंट पे आता है बहुत बहुत सारा डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि यहां पे इफेक्ट्स आता है, यहां पे स्कल्पटिंग आता है लाइक मॉडलिंग, एक आता है इनऑर्गेनिक मॉडलिंग, एक आता है ऑर्गेनिक मॉडलिंग। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, लेकिन अगर जनरली 3D की बात करें बेसिकली यहां पे होता ये है, बहुत सारे कंपनीज है इंडस्ट्री में जो कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग सॉफ्टवेयर को प्रेफर करता है, लेकिन मोस्टली वी आर प्रेफरिंग द माया, क्योंकि माया ही एक इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है, ना कि मैक्स। मैक्स यूज होता है फॉर इंटीरियर या फिर सम काइंड ऑफ छोटे मोटे एक्सटीरियर का पर्पस के लिए, बट माया इज यूज फॉर प्रोडक्शन लेवल, जहां पे आप क्रिएट करते हो माया में इन डेप्थ 3D मॉडल्स। बट यहां पे आ जाता है अगर आपको कोई ऑर्गेनिक मॉडलिंग करना पड़े, लाइक एक टाइगर की मॉडलिंग करना पड़े जिसमें आपको डिटेल लाना पड़ेगा, देन यू नीड टू यूज ए जी ब्रश। प्रीवियसली मडबॉक्स ये सब यूज होता था, तो अभी करेंटली जी ब्रश यूज होता है, बहुत ही इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ऑर्गेनिक मॉडलर बनना चाहते हो, देन प्लीज लर्न जी ब्रश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर। और रिसेंटली एक आया है वर्चुअल प्रोडक्शन, जहां पे एक ही सॉफ्टवेयर मार्केट को ग्रैब करके रखा हुआ है, दैट इज आवर वेरी ओन अनरियल इंजन। तो अगर आपको लग रहा है कि आप वर्चुअल प्रोडक्शन में अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हो, देन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया, बट मोस्टली आउट ऑफ इंडिया ही ज्यादा है, देन प्लीज लर्न अनरियल इंजन। अनरियल इंजन में बेसिकली डेवलपर्स मांगते हैं वो लोग, क्योंकि डेवलपर्स का काम ही होता है कि उस चीज को और कितना डेवलप करके आप एडवांस लेवल पे लेके जाओ। हालांकि मेरा जो वीडियोस अनरियल पे आप देखते हो या कोई भी यूट्यूब में देखते हो, वो जस्ट 10% ऑफ अनरियल या फिर मैक्सिमम 20%, बट यू डोंट नो कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है ये अनरियल इंजन। तो इसके बाद आता है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसका नाम है हुडिनी। ये यूज होता है मोस्टली मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, अनरैपिंग, एवरीथिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, बट हमेशा मैं इसको मानता हूँ फॉर इफेक्ट सिमुलेशन। ठीक है, कोई भी ब्लास्ट हो गया हो, कोई भी पंछियों का झुंड हो गया हो, रोबोट 2.0 अगर आप देखो, बहुत सारे क्राउड सिमुलेशन हो गया, ये सॉफ्टवेयर अपने आप में एक खुद प्रोडक्शन हाउस कहला सकता है, क्योंकि इसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हो, एवरीथिंग। बट दिस इज अ वेरी 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 टफ सॉफ्टवेयर, मेरा मानना ही है, बट अगर आप हुडिनी जान लोगे तो आपकी जॉब की कमी कहीं नहीं होगा, क्योंकि हुडिनी आर्टिस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा कम है। सो अगर कोई है जो आपको हुडिनी सिखा सकता है, देन प्लीज गो लर्न। एंड आप कहीं भी अप्लाई करोगे, आई एम प्रीटी श्योर स्टार्टिंग में थोड़ा आपको दिक्कत होगा प्रूव करने में आपको कि मैं आता है मुझे, भाई मुझे जॉब दो, लेकिन एंड ऑफ द डे डेफिनेटली आप कुछ सालों बाद खुद को एक अलग लेवल पे देखोगे, ये मेरा वादा है आपसे। अब देखो गाइस, बातें बातों में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है, हालांकि और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, लेकिन मोस्टली प्रेफरेबल डिपार्टमेंट लोगों का यही होता है, रोटो पेंट, कॉम, 3D इफेक्ट्स, सिमुलेशन, वर्चुअल प्रोडक्शन वगैरह। तो मैंने आई होप मेरे तरफ से जितना हो सके कवर अप किया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के ऊपर जानना है तो कमेंट सेक्शन में अभी जाके बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो, डिटेल वीडियो लेके आ जाऊं। और अगर मुझसे कुछ चीजें मिस हो गया, मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है, देन डेफिनेटली डोंट हेजिटेट, कमेंट करो, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि मैंने क्या गलत बोला है यहां पे। सो गाइस, मैं रजत मिलूंगा आप लोगों से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मेरे चैनल VFX वर्ल्ड में। तब तक के लिए आप देखते रहो हमारा चैनल, और मैं चलता हूँ एक नया वीडियो बनाने के लिए।